हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि पहले के वीडियो में आप देख चुके हैं कि हम बिना सेमीकोलन का यूज़ किए भी प्रिंट ऑफ कर सकते हैं, वो भी स्विच केस के माध्यम से। पहले इफ एल्स के कंडीशन किए थे, अब स्विच केस में भी कर लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि उसी प्रिंट ऑफ में हम किसी जैसे वेरिएबल पर जो वैल्यू स्टोर है उसको प्रिंट करा सकते हैं या नहीं, इस चीज़ को आज हम चेक करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या होता है। तो सबसे पहले अपना वही हो जाएगा हेडर फाइल, तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये तो कॉमन सा हो गया है, आप लोग को इसके बारे में पूछना भी नहीं चाहिए कि ये सब क्या होता है क्या नहीं। इंट मैन, और यहाँ पर जैसे कि हम कहें कि एक वेरिएबल लेंगे हम, तो हम यहाँ पर एक डाटा टाइप इंटीजर ले लेते हैं और एक वेरिएबल लेते हैं जिसका वैल्यू हम 2.5 रख देते हैं। ठीक है, 2.5 रख देते हैं। अब हम यहाँ पर स्विच केस लगाते हैं, स्विच केस लगाएं, और यहाँ पर हम जैसे पहले के वीडियो में हम किए थे यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट ऑफ लिखे थे, तो उसी तरह यहाँ पर भी प्रिंट ऑफ हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ के बाद अपना यहाँ पर एक उसी वैल्यू को, यानी कि जो हमारा ए पर जो वैल्यू स्टोर है, हम उसे प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए इज इक्वल टू परसेंट डी। आपको पता ही है कि इंटीजर परसेंट डी लेता है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा गलती कर दिए हैं, यहाँ पर इंटीजर नहीं बल्कि ये फ्लॉट है। जैसे कि आप समझ रहे होंगे यहाँ पर ये फ्लॉट है, तो यहाँ पर हम एफ लेंगे, और यहाँ पर जो हम इंटीजर भी लिखे हैं, यहाँ पर इंटीजर न लिखकर हमें यहाँ पर फ्लॉट लिखना होगा, तब ये जाकर 2.0 सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया सही, और हम यहाँ पर ए के वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पर कोई केस बना देते हैं। केस का वैसे हम कल भी देखे थे, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगा देते हैं केस। यहाँ पर केस वन लिख देते हैं, या फिर केस ए भी लिख देते हैं। फिर यहां पर हम प्रिंट ऑफ लिखेंगे हेलो, उसके बाद हम यहां पर एक लगा देते हैं ब्रेक। हमारे ये प्रोग्राम इतना बंद हो गया, यानी कि इतना हमारा प्रोग्राम हो गया इस स्विच केस में, जितना हमें करना था उतना हो गया है। अब हम यहां पर लगाते हैं रिटर्न। तो जिस तरह से हम प्रोग्राम लिखे हैं, इस हिसाब से हमें यहाँ पर जो प्रिंट ऑफ का वैल्यू है, यानी कि ए का जो वैल्यू है, हमें इस प्रिंट ऑफ में प्रिंट कर देना चाहिए। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करा कर देखते हैं क्या होता है। तो F11 के साथ अगर प्रेस कीजिएगा तो ये प्रोग्राम रन करेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा कुछ गलती हो गया है, जैसे पिछले वीडियो में हुआ था इसी में गलती हो गया है। यहाँ पर कुछ जल्दी जल्दी लिखने में हम बहुत कुछ गलत कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया सही सब, यहाँ पर केस ए लिखे हैं, जबकि यहाँ पर केस ए नहीं, केस जो भी बनाया गया है, यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। तो ये जैसे कि हम F11 के साथ प्रेस किया, हमारा प्रोग्राम रन किया, रन करने के बाद हमारा ए का वैल्यू प्रिंट कर रहा है जैसे कि हम चाहते थे, जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर मान लीजिए हम इस केस को ही हटा दें तो क्या हो, हम देखते हैं अभी चेक करके। तो जैसे कि आपको पता ही है, अगर मान लीजिए सभी को अगर कमेंट बनाना हो तो उसके लिए इस सिंबल का यूज़ किया जाता है, यानी कि आपका ये प्रोग्राम जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कमेंट के रूप में हो गया, यानी कि ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्किप कर दिया जाएगा, ऐसा समझिए। ठीक है, तो इस चलिए हम इसे रन करा कर देखते हैं, तो कोई इरर भी नहीं आ रहा। अगर आप केस नहीं भी लगाते हैं तो कोई भी इरर नहीं आएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो अगर मान लीजिए आपको एक लाइन देना है कमेंट, तो ये ऐसे डबल साइन यूज़ कीजिएगा, तो एक लाइन में आपका जो है सो कमेंट बन जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीपल लाइन करना है तो आप इन ऐसे सिंबल्स का यूज़ कीजिएगा, इन दोनों का। ठीक है, यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर क्लोज होगा। ठीक है, इस तरह से अब इसे रन करा कर देखते हैं। तो जब इसे रन कराए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर ब्रैकेट रखिए या नहीं रखिए, यहाँ पर पैरेंथेसिस केस लगाइए या केस नहीं लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्विच केस में कोई भी असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोग्राम हम किए हैं, जो ये भी सही तरह से वर्क कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लॉजिक के साथ।